चैनल जे त्रिवेदी व्लॉग्स। मैं ठीक हूँ इंशाल्लाह, उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चंद्र और पिंडी के बारे में चंद अहम मालूम जो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। बेसिकली मैं रावलपिंडी का हूँ, इसलिए मैं रावलपिंडी से इसका आगाज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं पाकिस्तान के दीगर शहर हैं, सिटीज हैं, बड़े के मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं सबसे पहले रावलपिंडी से। रावलपिंडी असल में दो लफ्जों का मजमू है, एक रावल और एक पिंडी। बापा रावल नामी एक शख्स था जो कि 1453 ईस्वी में इस इलाके में टेक्सला के करीब रहता था, जो अपने इस इलाके का हुक्मरान भी था। और पिंडी लाउस पिंड से निकला है, जिसका मतलब होता है गांव। और इस तरह इस बापा रावल नामी शख्स के नाम पे इस इलाके का नाम रावल पिंडी रखा गया। सुबह पंजाब का शहर है और ये पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है कराची, लाहौर और फैसलाबाद के बाद। रावलपिंडी की कुल 7 तहसीलें हैं और ये 1959 से लेकर 1969 तक पाकिस्तान का दारुल खिलाफा भी रहा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को ट्विन सिटी भी कहा जाता है और पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स का हेडक्वार्टर भी रावलपिंडी में ही है। 2020 में रावलपिंडी की कुल पॉपुलेशन 22,37,000 थी। बात की जाए इसके बाजारों की, तो इसके बाजारों में सदर बाजार, मोती बाजार, राजा बाजार और सराफा बाजार मशहूर बाजार हैं। इसमें सराफा बाजार गोल्ड की हैसियत से बहुत मकबूल और मरूफ जाना जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ ज्यादातर काम सोने चांदी और ज्वेलरी जेवरात का किया जाता है। बात की जाए कोई शॉपिंग सेंटर की, तो रावलपिंडी के शॉपिंग सेंटर अपनी मिसाल आप हैं। और इसके मशहूर शॉपिंग सेंटर में से हैं सिटी सेंटर, राफे सेंटर, राबी सेंटर, अल जन्नत माल और गीगा माल। गीगा माल जो कि इंतहाई खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन भी किया गया है और ये रावलपिंडी का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर भी है। बातें हैं रावलपिंडी के पिकनिक पॉइंट्स की तरफ। अगर बात करें रावलपिंडी के पिकनिक पॉइंट्स की, तो रावलपिंडी के मशहूर पिकनिक पॉइंट हैं अयूब पार्क, लियाकत बाग पार्क, अलामा इकबाल पार्क, जिना पार्क, 502 पार्क, ट्रायंगुलर पार्क, चिल्ड्रन पार्क, जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। और अगर खानों की बात की जाए, तो पंजाब के लोग खानों के बहुत शौकीन हैं। इस बात का अंदाज़ा रावलपिंडी के मज़ेदार खानों से लगाया जा सकता है। और उसके मज़ेदार खानों की जगहों में से है फूड स्ट्रीट, करतारपुर, बनी चौक, सदर वगैरह। और यहाँ के मशहूर खानों में से है सेवर फूड, मुर्ग पुलाव, बाबूजी जो कि बारबेक्यू लवर की वजह से बहुत मशहूर है, सरदार जी जो कि मछली की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ के रिफ़्रेशमेंट में है दही बल्ले, फ्रूट चाट, बर्गर, शवरमा वगैरह और ग्राटू जलेबी जो कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा मशहूर जलेबी है। यूनिवर्सिटियाँ हैं फातिमा जना वुमेन यूनिवर्सिटी, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज वगैरह। तो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पिछली वीडियो से मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सी चीज़ है जो हम ज़्यादा तो कर सकते हैं पर खरीद सकते हैं, उसका आंसर है वक्त। तो आज का नया सवाल ये है कि वो चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा क्यों खाते हैं, चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा क्यों खाते हैं। इसको जवाब मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा और वीडियो के मतलब भी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अपने भाई जी को, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।